अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 127। और आज के लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक 3D पाइप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लान। तो आज के लेसन में हम डिफरेंट प्लान के ऊपर काम करेंगे और इसमें 3D पाइप डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कि स्वीप कमांड का कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो है तो स्वीप कमांड होगी, उसके अलावा शेल कमांड होगी, इनका कैसे यूज किया जाता है और डिफरेंट प्लेन में आप कैसे काम करते हो। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया, आप टॉप व्यू से आप जो है तो यहाँ से आपने जाना है जी साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाना है। ओके, अगर यूसीएस आइकन ओरिजिन पॉइंट में नहीं है तो यूसी एंटर करके ओरिजिन पॉइंट डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक कर लें अगर ओरिजिन पॉइंट में है तो। ओके, तो मैं लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, तो मेरे पास जो पाइप है उसकी लाइन है जी फॉर एग्जांपल 10, एंटर करता हूँ, डेसिमल में काम करते हैं, 10 एंटर करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ से जो पाइप है तो हमेशा याद रखिए कि पॉली लाइन आपने लेनी है यहाँ पे, पी एल एंटर करता हूँ, पॉली लाइन 10 एंटर, 10 एंटर। अब मैं इसे टॉप व्यू में, अब मैं इसे टॉप की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ लेकिन ये टॉप की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास ये प्लान डिफरेंट है। तो आपने इस प्लान में टॉप प्लान को चूज करने के लिए आप यहां से जाके आपने राइट प्लान पे क्लिक करना है। राइट प्लान पे क्लिक करता हूं मैं, अब एल एंटर करता हूं तो देखिएगा ये राइट प्लान की तरफ चल रहा है, देख सकते हैं। और इसको भी 10 देता हूं और यहां से इसको भी 10 देता हूं, इसको भी यहां से 10 देता हूं। ओके, तो आप देखिए यहां पर एक हमारे पास अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। अब जो काम करना है वो काम ये कि अब यहाँ पे ये डिफरेंट व्यू है तो मैं यहाँ से इसको फिलेट कमांड यूज़ करता हूँ, एफ एंटर करता हूँ और रेडियस लेता हूँ, आर एंटर, रेडियस 1 देता हूँ इसको और इसको और इसको रेडियस दे देता हूँ, इसको और इसको रेडियस देता हूँ, इसको और इसको रेडियस देता हूँ। ओके, अब ये रेडियस इसमें चेंज होगा क्योंकि हमने इस कॉर्नर से हमने इसका प्लान चेंज कर लिया था, व्यू हमने इसका चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे रेडियस देने के लिए आपने क्या करना है, आप इसे फ्रंट, क्योंकि ये फ्रंट है, फ्रंट पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो फ्रंट पे जाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाके आपने फ्रंट पे क्लिक करना है, फ्रंट पे आ गए और अब यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल होगा, वो ड्रॉ करके आप यहाँ से इस पर काम कर सकते हैं। तो मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखें ड्रॉ बार में आपका सर्कल में आएगा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस क्लिक करें और ड्रॉ करें, सॉरी आपने टेंजेंट लेना है, एक टेंजेंट ये लेता हूँ, एक टेंजेंट में यहाँ से ये लेता हूँ और अब इसको रेडियस देता हूँ, तो रेडियस में इसको देता हूँ 1 एंटर करता हूँ, 1 रेडियस में हमारे पास यहाँ पे देखेंगे सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसको मूव करता हूँ, एम एंटर, इस कॉर्नर में इसको ले आता हूँ। ओके, मूव हो गया। अब जो काम करना है, आप देखें यहाँ पे ट्रिम भी कमांड अप्लाई नहीं होगी, टी आर एंटर करता हूँ, मैं कोई एरिया ट्रिम करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ट्रिम कमांड भी अप्लाई नहीं हो रही। तो अपने ट्रिम कमांड को अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस कॉर्नर को उठाना है, उठा के इसके इस पॉइंट में लेके जाना है, टेंजेंट में इसको उठाना है, उठा के इसको आपने इस पॉइंट में ले जाना है। ओके, और अब आपने यहां पे ही काम करना है। ओके, एल एंटर करें यहां से, ओके, एक वर्टिकल मैंने लाइन ले ली और एक हॉरिजॉन्टल ले ली। अब ट्रिम कमांड टी आर एंटर करें, सेंटर से इसको सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें और यहां से इन एरिया को क्या कर दें, ट्रिम कर दें, इसको भी यहां से डिलीट कर दें। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास एक एरिया बन गया। अब हमने क्या करना है कि पाइप के लिए, अब हमें यहां पे क्या करता हूं, रेक्टेंगल लेता हूं, सॉरी सर्कल लेता हूं, सी एंटर करता हूं, 1 एंटर, रेडियस को 1 दे दिया। और अब मैं यहां से स्वीप कमांड यूज करूंगा, मॉडलिंग में आपको स्वीप कमांड नजर आ रही होगी, स्वीप कमांड पे क्लिक करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्वीप कमांड अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट अब जो मैंने काम करना है वो दोबारा स्वीप कमांड लेनी है मैंने, स्वीप कमांड से पहले मैं सर्कल लेता हूँ दोबारा, सी एंटर करता हूँ और 1 एंटर करता हूँ, दोबारा स्वीप कमांड लेता हूँ, सिलेक्ट किया, स्पेस और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक और हमारे पास एक एरिया बन गया, आप देख सकते हैं, देखें ज़रा एक एरिया बना है, एक यहाँ तक एरिया बना है। तो आप इन एल्बो को आप इनको कलर भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से कलर भी दे सकते हैं।
डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो यहाँ तक ही आ गया। अब दोबारा मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, सी एंटर, वन एंटर, और इसको भी स्वीप कमांड के थ्रू सेलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे यहाँ तक ही आ गया। देखें अब यहाँ से भी इसको चेंज करना है, तो वही स्वीप कमांड आप यूज़ करें, सर्कल ने सी एंटर, वन एंटर, स्वीप कमांड ली, स्पेस, ये देखें बन गया एल्बो। फिर आप यहाँ से सी एंटर करें, सर्कल, वन एंटर, स्वीप कमांड यूज करें, फिर यहाँ से सी एंटर करें, वन एंटर, और स्वीप कमांड यूज करें, फिर सी एंटर करें, वन एंटर, और स्वीप कमांड यूज करें। ओके यहाँ तक क्या आ गया। अब इसको देखें, आप 2D वायर फ्रेम की जगह हम रियलिस्टिक व्यू में लेके जाते हैं, या फिर रियलिस्टिक व्यू में लेके जाते हैं, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये बन गया, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेयर बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेयर बनाता हूँ, उस लेयर में कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ, लेयर बनाता हूँ मैं, लेयर बनाने से पहले मैं इसको शेल कमांड अप्लाई करता हूँ। तो शेल कमांड के लिए मैं यहाँ से शेल कमांड यूज़ करता हूँ, देखें इस बटन पे क्लिक करता हूँ और शेल कमांड यूज़ करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये व्यू सिलेक्ट करता हूँ, और स्पेस प्रेस करके इसको मैं देता हूँ जी 1.1 एंटर करता हूँ। देखें इसके अंदर से हमारे पास शेल हमारे पास अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आता हूँ इस व्यू में, और इसको भी आप यहाँ से शेल कमांड यूज़ करूँगा, शेल स्पेस और 0.1, ओके शेल कमांड भी अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। ओके अब इसकी एल्बो जो बनी हुई है, इसको मैं आप यहाँ से वो स्टाइल कलर चेंज करता हूँ। तो उसके लिए मैं लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर, यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर लेता हूँ, लेयर वन, और उसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। या कोई और कलर लेता हूँ जो क्लियर नज़र भी आए। ओके यूज़ करता हूँ इसको। अब मैंने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके काफ़ी है। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लेयर वन में मूव कर देता हूँ। ओके देखें तो मेरे पास ये लेयर वन में मूव हो गया। ओके तो ये हमारे पास एक 3D पाइप भी ड्रा हो गया। इसको मूव करता हूँ कॉपी, सी पी एंटर, बल्कि सारे को यहाँ से जो है तो मैं सॉलिड सब्ट्रैक्ट सॉलिड यूनियन कमांड पे क्लिक करता हूँ, सारे को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, सारे सॉलिड यूनियन कमांड में कन्वर्ट हो गए, देख सकते हैं। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, सॉलिड यूनियन में कन्वर्ट नहीं करना, कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, और इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मूव कर लिया, एम एंटर, रोटेट करके आर ओ आर ओ रोटेट 3D के, यहाँ से यह चूज लेता हूँ,
आप ये देखें, आप बस ये पैक ड्रा हो गए। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।